इंजेक्शन लगाने के बाद में मुंह से झाग निकलता है, और झाग निकलने के बाद में उन्हें सीरियस बताकर जो है जिला अस्पताल सुपेला में जो है रिफ़र कर दिया जाता है, और उसके बाद उन्हें कुछ ही घंटे के बाद में मृत घोषित कर दिया जाता है। पहले तो खून चेक कराए, नॉर्मल निकला, बीपी चेक कराए, नॉर्मल निकला, फिर वो क्या बोलते हैं इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन जैसे ही दिए तो फिर मेरे पापा बोले कि मेरे सीना में ऐसा कुछ जलन टाइप हो रहा है, ऐसा करके बोले। इससे पहले पूर्व में किसी भी प्रकार की उनको बीमारी की, उनकी उम्र हो गई हो, हमको कोई रिपोर्ट नहीं बताया गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, मैं कंपनी में था, कि बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, आप तुरंत यहाँ आइए। पोस्टमार्टम जो है अभी चल रहा है, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि इनकी मौत किस कारण से हुई थी। पिछले कुछ दिनों से भिलाई और दुर्ग का जो मौसम है बदलाव की ओर है, कभी बारिश तो कभी धूप है, और इस प्रकार के जब मौसम होते हैं तो अक्सर आपको वायरल फीवर, सर्दी खांसी जैसे आम बीमारी अक्सर जकड़ती है, और इस प्रकार की बीमारी किसी की मौत का कारण बनेगी ये सोचने में बहुत क्वेश्चन मार्क का विषय हो जाता है। हम आपको बता दें, एक ऐसा ही मामला सामने आया है छावनी थाना अंतर्गत बैकुंठ धाम के 10 बिस्तर अस्पताल से, जहां पर एक व्यक्ति पिछले मात्र एक हफ्ते से जो है खांसी से ग्रसित चल रहा था। ग्रसित होने के बाद में घरेलू उपचार किया, और घरेलू उपचार के बाद में जो है जो स्थानीय मितानिन होती है, क्षेत्रीय मितानिन होती है, उसके द्वारा उन्हें सलाह दी गई कि आप एक बार जाकर जो अस्पताल है वहाँ पर अपनी जाँच करा लें। और इसी दौरान में जो है व्यक्ति वहाँ पर जाँच करने जाता है, और जांच करने के दौरान उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद में मुंह से झाग निकलता है, और झाग निकलने के बाद में उन्हें सीरियस बताकर जो है जिला अस्पताल सुपेला में जो है रिफ़र कर दिया जाता है, और उसके बाद उन्हें कुछ ही घंटे के बाद में मृत घोषित कर दिया जाता है। ये प्रश्न का विषय है, पर परिजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ घटना उनके साथ में, उनके पिता के साथ में हुई थी। सबसे पहले आप कहाँ के निवासी हैं, और कब आपके पिताजी को ये बीमारी शुरू हुई थी, मतलब खांसी हुई थी नॉर्मल जिस हिसाब से आपने अभी कुछ बताया, और कैसे उसकी प्रक्रिया चली और अचानक आपको खबर आई अस्पताल से कि उनकी मृत्यु हो गई है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता है, मैं कंपनी में था, तो पापा का 3-4 दिन से उनको खांसी था, 5 दिन लगभग, तो घर में ही इलाज चलता था, उनको काढ़ा वाढ़ा जो भी अपना देते थे। तो हमारे मितालीन एक दिन आई हमारे घर में, कल की बात है, वाई बोले कि एक काम करें, ये डॉक्टर पास चलते हैं, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कुछ पैसा नहीं लगेगा, बस चेकअप करवा लेते हैं। तो पापा बोले कि नहीं, मेरे को पहले से बहुत आराम मिल गया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो बोले नहीं ठीक है, चेकअप करवाने में क्या जाता है, चेकअप करवा सकते हैं। तो फिर पापा बोले ठीक है मैं चलता, तो फिर पापा अपने स्कूटी से अपने गाड़ी चला के और पीछे मेरी छोटी बहन को बैठा के साथ में गए वहाँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद पर्ची वर्ची कटाए हैं, पर्ची कटाने के बाद फिर क्या बोलते हैं कुछ इंजेक्शन दिए, वो नर्स एक ठुआई, वो पहले तो खून चेक कराए, नॉर्मल निकला, बीपी चेक कराए, नॉर्मल निकला, फिर वो क्या बोलते हैं इंजेक्शन दिए, इंजेक्शन जैसे ही दिए तो फिर मेरे पापा बोले कि मेरे सीना में ऐसा कुछ जलन टाइप हो रहा है, ऐसा करके बोले नर्स को। तो नर्स पूछी कि कुछ खाया सुबह से, तो पापा बोले हाँ सुबह में एक रोटी और एक अंडा बस खाए हैं, तो बोले उसके वजह से आपको जलन हो रहा है, ठीक है ये हुआ। फिर आधा घंटा के बाद, उसके बाद फिर वो नर्स आती है, एक तो इंजेक्शन जैसे ही लगाती है, मुंह से घाच आता है, अब पापा पैंट खोल दे, मतलब हाँ मुंह से झाग आता है, और उसके बाद कुछ नहीं बोलते, उसका ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद तो फिर वही मितानी थी, मेरी बहन थी, वो फिर दौड़ के गई, और वो नर्स तुरंत इंजेक्शन लगा के चले गई, रुकी भी नहीं। तो फिर उसके बाद मुँह से जब घाच आने लगा, तो मेरी बहन और वो मितानी जो थी साथ में, वो गई डॉक्टर को बोली कि नर्स को आपने सुई लगाया, ऐसा ऐसा हो रहा। तो वो तुरंत कुछ नहीं बताया कि क्या कारण से हुआ क्या हुआ, बस ये बोले कि आप इसको जितना जल्दी हो सके आप इसको सुपेला हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ नहीं हो पाएगा, बहुत सीरियस है। हमको कोई रिपोर्ट नहीं बताया गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, मैं कंपनी में था, कि बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, आप तुरंत यहाँ आइए सुपेला हॉस्पिटल पे। तो फिर मैं वहाँ से, मैं रास्ते में ही था, मेरे को पता नहीं, 10 बिस्तर से फिर आपको यहाँ पे यहाँ सुपेला अस्पताल में रिफ़र किया गया, रिफ़र किया गया। तो मेरी बहन तो छोटी थी, उसको कुछ आइडिया नहीं था, तो वो लोग बोले कि गाड़ी मंगाइए, तो मेरी बहन तो छोटी थी, वो फिर डॉक्टर लोग खुद ही गाड़ी मंगवाए और अपने से भर्ती करवाए और यहाँ तुरंत भेजे, हमको तुरंत वहाँ 5 मिनट भी रुकने का समय नहीं दिया गया जी। एक सवाल मैं पूछूंगी कि अक्सर क्या होता है कि पिछली कुछ बीमारी होती है जो नई दिखती है और अचानक दिख जाती है, तो इससे पहले पूर्व में किसी भी प्रकार की उनको बीमारी की, उनकी उम्र हो गई हो, तो कभी खांसी रहती हो, बुखार रहता हो, या कुछ भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी? बीमारी उनको नहीं थी, बस उनको बस सर्दी खांसी थी, वो भी 5-6 दिन से बस, और कोई उनको बीमारी नहीं थी।
कोई बीमारी थी, बस 4 दिन से खांसी का इलाज कर रहे थे और मेरे ख्याल से वो ठीक भी हो गया था। बहुत ठीक हो गए थे वो, अब थोड़ा बहुत मुश्किल से हो गए, बहुत ठीक हो गए थे वो, लेकिन उनके वजह से हमको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ ये सब दुर्घटना हुआ। सीने में दर्द कहाँ से आ रहा था ये? वो क्या हुआ, जैसे फंस बगाया तो एक और इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन जब लगाए ना तो पापा बोले मेरे सीना में कुछ जलन टाइप हो रहा हल्का बहुत, ऐसा दो इंजेक्शन लगे? हाँ दो लगे, एक पहले लगे तो वो बोले कि हल्का जलन टाइप हो, तो फिर वो पूछे कि कुछ खाए थे तो वही बोले कि मैं बस एक अंडा सुबह में एक रोटी खाया हूँ, तो बोले उसके वजह से जलन दे रहा है। तो फिर वो फिर उसके बाद आधा घंटा के बाद मुश्किल से नर्स आती है, फिर वो इंजेक्शन लगाती है, मुँह से घास आता है। मतलब पहले ये सिर्फ अपने इलाज के लिए गए, तो जब मितानिन के द्वारा उनको दिखाया गया तो डॉक्टर ने पहले उनको एक तो पहली बात इंजेक्शन शायद नहीं लगाना चाहिए था, या फिर कुछ रहा होगा उनको लगाया, उन्होंने पहला इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद में आपके पिता के द्वारा बताया गया कि उनको जलन हो रही है, जिसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद में फिर ये चीज़ें हुई और पर बेड में सीधे शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद डॉक्टर को आपने बातचीत करने की कोशिश की बाद में, अभी जैसे कि आपको पता चला उसके बाद आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो रीज़न जानने की कोशिश की? नहीं तो मैं क्या डायरी यहाँ आ गया ना तुरंत, अब फिर उसमें अभी गए नहीं है वहाँ, गए नहीं है अभी तक। तो क्या लगता है कि ये जो थी जिस प्रकार की पूरी घटना आपके साथ में हुई है, ये प्रशासन की लापरवाही है, उन्होंने उनकी जो गलती है उसको उन्होंने छुपाने का कार्य किया है? वो पूरी उनकी गलती है, इसीलिए हमने जाँच का विषय रखे कि हमारे सही जाँच होना चाहिए, और हमारे घर में बस एक मेरे पापा ही थे कमाने वाले, अब हम कोई नहीं है, तो हम कुछ मदद भी चाहते हैं। ये थे हमारे साथ में सुपुत्र, उनसे हमने बातचीत की और जाना कि क्या कुछ हुआ था इलाज के दौरान, और उनके जो पिता हैं घर से अपनी छोटी बेटी के साथ निकले थे इलाज करवाने के लिए, जहां पर दो इंजेक्शन लगवाए गए और इंजेक्शन लगवाने के बाद में मुंह से झाग निकला और सीरियस बताया गया, जिसके बाद में उन्हें जिला अस्पताल सुपेला में रेफ़र किया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम जो है अभी चल रहा है, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि इनकी मौत किस कारण से हुई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इनकी जो बीमारी है वो सामने नहीं आ पाई होगी, तो पोस्टमार्टम के थ्रू सामने आ जाएगी, तो आगे की जो प्रक्रिया होगी अब वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि रीज़न क्या था, क्यों उनकी मृत्यु हुई थी। इसकी जो खबर की अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए KP News के साथ में। धन्यवाद।